नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी की टीचिंग मेथड के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दोस्तों मैंने आपको 60 प्रश्न करवा दिए हैं दो क्लास में। आज दोस्तों ये तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में चलिए दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देखते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बताते जाना, मैं राइट बताता जाऊंगा, आप अपने मिलान करते जाना कि कितने सही हो पा रहे हैं। तो यहां से करना है दोस्तों शुरू अपन को। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सिखाना, या दूसरों की बात समझना सिखाना। तो भाषा सीखने सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों दो नंबर हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक या भाषा का आंकलन। तो देखिए दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, या केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो देखिए दोस्तों 53 का राइट आंसर हो जाएगा, भाषा का प्रयोग है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। 55 नंबर देखिए दोस्तों, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, यानी क्या आशा करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब दें, सॉरी बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक कक्षा के अंदर भाषा शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करेगा कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, यानी रटे रटाए जवाब न दें, अपनी समझ के आधार पर सोच करके जवाब दें, ठीक है। तो उससे दोस्तों क्या होगा, बच्चों की जो भाषा है, भाषा दक्षता कुशलता, वो और दोस्तों उसमें निपुणता आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों ये जो शिक्षण विधियाँ होती हैं ना, एक तो सकारात्मकता पर चलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना, और एक दोस्तों चार में से आपको एक ऑप्शन अलग ही दिखेगा जो उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध करवाना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 57 नंबर देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या साधन है या साध्य है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं दोस्तों वो भाषा सीखने का साधन है, क्या है? साधन है, ठीक है, यानी हथियार है, औजार है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, बच्चों का जो स्कूल में पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ना एक बच्चे का, उस फाइल को दोस्तों पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, यानी बच्चे ने कब हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया और किस तरह की इसने मतलब यहाँ तक पढ़ाई की है। जैसे पहली क्लास में बच्चा आया अपने स्कूल में, पाँचवीं तक वो बच्चा रहा, तो पहली क्लास से लेकर पाँचवीं तक का उस बच्चे के बारे में एक पूरा विवरण रखा जाता है, एक फाइल रखी जाती है स्कूल के अंदर, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। उसमें दोस्तों उसकी पूरी पूरी प्रगति, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट, उसने किस किस में भाग लिया, वो पूरा का पूरा विवरण रहता है, उस फाइल को पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं।
गुणसूत्र नंबर है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, देखिए पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है। तो दोस्तों पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर, बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेखन, लिखित परीक्षा। तो देखिए दोस्तों बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि बच्चों से प्रश्न पूछा जाए और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया उनसे ली जाए, ठीक है। ये देखिए उनसे प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उन्हें कहना, ठीक है। ये दोस्तों बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा। नेक्स्ट 61 नंबर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जवाब देते जाइए। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है वो भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल नहीं करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो 4 नंबर, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। 63 नंबर है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना या वर्णन करना, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन है भाषा आंकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आंकलन के तरीके हैं, या केवल शिक्षण पद्धति है, या 4 नंबर है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, भाषा सीखने सिखाने तथा आंकलन के तरीके हैं, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निम्नात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों भाषा के व्याकरण को समझने के लिए हमें संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से, मतलब भाषा के व्याकरण का आंकलन करना चाहिए, 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बच्चे के कक्षा की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। तो बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को दोस्तों उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट है 67 नंबर, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है? तो बच्चे के लिए, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां दोस्तों निरर्थक होती है। क्या होती है? निरर्थक होती है। कैसे होती है, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों
जब बच्चे आपके पास विद्यालय में आए और लिखी हुई जो सामग्री है, मानकर चलिए चार्ट है, क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिपिबद्ध दोस्तों ध्वनियाँ हैं। अब बच्चा यहाँ समझता नहीं है कि ये क लिखा हुआ है, ये ख लिखा हुआ है, ये ग लिखा हुआ है। पहले आप क्या करते हो, बच्चों को बिठा लेते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बोलना सिखाते हो, क ख ग घ, उनको ये समझ नहीं होती क कैसा होता है, ख कैसा होता है, ग कैसा होता है, घ कैसा होता है, ठीक है, च कैसा होता है, छ कैसा होता है, इन चीज़ की उनको समझ ही नहीं होती। बस वो बोलना सीख जाते हैं, ए बी सी डी बोलना सीख जाते हैं, क ख ड़ पूरे पूरे बोलने सीख जाते हैं, वर्णमाला पूरे की पूरी वो सीख जाते हैं बोलना, ठीक है, तो क ख ग घ च छ ज, इस तरह से वो बोलना सीख जाते हैं। बाद में क्या करते हो आप, उनको समझ विकसित करने के लिए बाद में लिपिबद्ध जो ध्वनियाँ होती है उनसे आप उनका परिचय करवाते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बच्चे की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों 68 का राइट आंसर है वो हो जाएगा एक नंबर, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 69 नंबर, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है गलत है, सही हो सकता है, सही है क्योंकि रेखांकन भी अत्यंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है, अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है, सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए मुझे। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्या है, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो देखिए दोस्तों सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कौन सा सहायक नहीं है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये कोई सृजनात्मकता का विकास थोड़ी करेगा। हाँ कविता पूरी करना सृजनात्मकता का विकास करेगा, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन बिल्कुल करेगा, अधूरी कहानी को पूरी करना बिल्कुल सृजनात्मकता को, ये दोस्तों सृजनात्मकता का विकास करेगा। 71 नंबर है, भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, औपचारिक रूप से आंकलन पर बल दिया जाए, व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 72 नंबर, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो दोस्तों मराठी लिखी जाती है हिंदी भाषा के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में इनमें से, ठीक है। संस्कृत की भी लिपि दोस्तों देवनागरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है एक समस्या है, या बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है वो दोस्तों एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, क्या है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 74 नंबर, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का ज्ञान देना, क्या देना, भाषा का ज्ञान देना। नेक्स्ट है दोस्तों 75 नंबर,
जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है। बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। क्या होता है? सार्थक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं या भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो दोस्तों, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा जानते ही नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, ठीक है, हाँ, मातृभाषा जरूर जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों, जिनके उत्तर निश्चित हों। जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो, जो व्याकरण पर आधारित हो। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास हैं वो किस तरह के होने चाहिए? जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो, या जो व्याकरण पर आधारित हो, या जिनके उत्तर निश्चित हो। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं वो दोस्तों यहाँ पर अनुमान का मतलब तो दोस्तों तुक्का हो गया, ठीक है, या अनुमान साथ में दे दिया। अब देखिए, बहुविकल्पीय हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, व्याकरण पर हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ अगर अनुमान नहीं देता ना वो, यहाँ से दे देता समझ और कल्पना पर आधारित हो तो बिल्कुल सही होता ही है। अब यहाँ उसने इन चार ऑप्शनों में ऐसा नहीं दिया है कि समझ और कल्पना पर आधारित हो, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अनुमान तो तुक्का हो गया। जिनके उत्तर निश्चित हो, यहाँ पर इन चार में से दोस्तों ये राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षण विधियाँ कई बार है ना, जो चार उत्तर रहते हैं ना उनमें से ही अपन को एक बेस्ट छांटना पड़ जाता है। तो यहाँ अपन को ऐसा लग रहा है ना कि कल्पना पर आधारित हो, यानी बच्चों की समझ विकसित करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनुमान दे रखा है ना, अनुमान तुक्का होता है, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निश्चित उत्तर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्राय बच्चे बच्चियाँ विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती, या शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों प्राय बच्चे बच्चे विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्ति करने में संकोच महसूस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाबरान हिंदी बोलने को नहीं आ, टाबर बोलना चाहे बागड़ीम, अब फिर वह शंको कराएगा बागड़ीम किया बोला, ठीक है, तो वो मातृभाषा में बोल नहीं पाते हैं विद्यालय में, वो संकोच करते हैं क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, यदि कोई बच्चा नहीं बोलना जानता है तो उसको बोलो कि तू तेरी भाषा में बोल, यानी उसको अभिव्यक्ति तो करने दीजिए ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो भाषा शिक्षक के रूप में दोस्तों हम बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे, ठीक है। 80 नंबर देखिए दोस्तों, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार आदि से ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये थे आज के प्रमुख 30 प्रश्न। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना।